बिहार के सारण से मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। मामला जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र के पिठौरी नंदलाल टोले की है, जहां तीन युवकों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि सुबह ये तीनों युवक एक गाड़ी से मवेशी खरीदने जा रहे थे, तभी दूसरे मोहल्ले के कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और चोर होने का आरोप लगाते हुए पीटना शुरू कर दिया। लोगों ने तीनों युवकों की इस कदर पिटाई की कि उनकी मौत हो गई। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच कर रही है। गाड़ी लेके मेरा भाई जा रहा था, उसको घेर करके मारा है वहाँ के लोगों ने। इसका इंसाफ मिलना चाहिए, आग लगा दूंगा। हम लोग बता दे रहे हैं उस बस्ती को आग लगा दूंगा अगर नहीं इंसाफ मिला तो। मेरा भाई बेकसूर है और वो गाड़ी लेके जा रहा था, घेर करके मार रहे वहाँ पे। सात नाम है, वो पिकअप उसी का है, पिकअप चलाता है। लोग जा रहा था अपना कुछ खरीदने बेचने, घेर के लोग चोर चोर कह के मार दिया। हम लोग को घटना का पता चला है 5 बजे भोर में, पुलिस को खबर किया गया है। पुलिस जब मार हो रहा था तब पुलिस को खबर किया गया। अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ, पुलिस क्या कह रही है यहाँ पर? लोग कह रहे हैं कि झूठे आरोप में उनको मारा गया। जो घटना के कारण जो समझ में आ रहे हैं, जो परिजन जो बता रहे हैं, उनका साफ सुथरा है कि ये तीनों पशु व्यापारी थे और पशु की खरीद के लिए मेले में वो जा रहे थे अपने पिकअप से। सुबह का समय था और जो लोग कुछ युवक जो थे वहाँ पे, वो सेना में जो बहाली के लिए दौड़ लगाते हैं, वो दौड़ लगा रहे थे और वहाँ पे साइड देने को लेकर विवाद हुआ था। और उसके बाद उन लोगों ने इन तीनों को पिकअप सहित चोर चोर का हल्ला करके भीड़ जुटा ली। पहले खुद पिटाई किया, उसके बाद फिर वो गांव में ले गए और गांव में यहां उनकी पिटाई की गई है। इन लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस को खबर दिया गया था, जैसे ही जानकारी गांव वालों को हुई, क्योंकि उनका गांव भी ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन पुलिस मौके पर अगर तुरंत पहुंच जाती तो शायद इन तीनों युवकों की जान बच जाती। यानी एक गांव से निकलकर दूसरे गांव ये जा रहे थे, उसी दौरान इनको पीटा गया। जी बिल्कुल, जो बता रहे हैं कि ये दो। तो अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसा कि अमिताभ ने बताया कि कुछ लोग बहाली के लिए दौड़ लगा रहे थे, साइड में पिकअप वैन रुकी हुई थी, साइड देने को लेकर विवाद हुआ और कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया चोर चोर, और लोगों ने घेर लिया और इनको बेदर्दी से पीटा।